हम वेट ही कर रहे थे कि कब आप YouTube चैनल खोलें और हम आपको यूट्यूबर बनाएं। डर की यही दिक्कत है कि साला कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो क्या है ना कि एक साल से इस शहर पे ब्लॉगिंग करने का दबदबा है हमारा, और बरकरार भी रहना चाहिए। अगली बार आप फ़ोन से ब्लॉगिंग करें और फेमस नहीं हो पाए तो रिस्क है ना। इसीलिए हमज़ा इब्राहिम अब वापस आ चुके हैं। प्ले कीजिए। डर की ही दिक्कत होती है कि वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ब्रांड इमेज सर पर है, वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे। ये नया फ़ोन आया है, अब ब्रांड की गद्दी पे बैठेंगे तो नोटों की मस्ती तो होगी। 7 Pro रियलमी का नया फ़ोन आया है, बहुत डिमांड में। अगर आप ये ले लेंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है और लेफ्टी भी नहीं होंगे हाथ से आप। बाकी अगर सड़क पे चलते वलते कोई मुन्ना बबलू ले लेते हैं तो वो मुन्ना संभाल लेगा। और जहाँ तक इसकी दिखने की बात है तो लुक्स में तो ये बहुत ही खूबसूरत है, हमारी बीना जैसा। बैटरी टाइम है 0 to 100 34 मिनट के अंदर अंदर। अब क्या है कि रात को लड़की से बात कर रहे हैं और एकदम से फ़ोन बंद हो जाए तो रिस्क है, लेकिन इश्क भी तो है तो वो चलता रहेगा साथ साथ। आपके लिए भी भला होगा और हमारे लिए भी भला होगा। फुल ब्राइटनेस कर लीजिए, वाईफाई ऑन कर लीजिए। पबजी खेलेंगे या किसी के दिल से खेलेंगे? गन से गोली निकलती है तभी गन की वैल्यू होती है। बैटरी टाइमिंग अच्छी होगी तभी फ़ोन की वैल्यू होगी। तो 5 दिन तक फुल चार्ज होने के बाद चलने की आशा है इनकी। चलेंगे ये, हम आपके साथ और ये हमारे साथ। बाकी जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का सवाल है, वीडियो फोटो, तो वो हम आपको बाहर जाके दिखाते हैं। भाड़ में गए दूसरे देने वाले रिव्यूज जो घर बैठ के दे रहे हैं, फैमिली हैं आप लोग हमारी और हम आपके, तो बाहर जाके दिखाएंगे। मकबूल, कैमरा बंद कर दीजिए। नहीं है तोप भैया, चाहे जब दे ठोक भैया, इनके डर से खड़ी है धरती, कहे पे इनके पंगा कोई ले ना पाए, पावर इनकी हाय हाय। बहुत परफेक्ट बजा दो, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। अबे तू बजा दो। कॉपीराइट स्ट्राइक आए ना, समुद्र से जो है ना वो सांप आ जाएंगे। ये कौन सा हम कैमरा टेस्टिंग से लाइव हैं और ये हैं हम अगेंस्ट द सन, और ये अगर हम यहाँ क्लिक करें तो ये हैं हम विद द सन। और बाकी आवाज़ के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से और फ्रेम के हिसाब से और रंग वंग के हिसाब से तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट कलर वगैरह से कैमरा क्वालिटी तो मुझे ब्लॉगिंग के लिए बम्बू लग रही है। जो मैंने ब्लॉगिंग की थी फ़ोन से उससे तो वो काफ़ी बेहतर है। ये पीछे धूम के बाइक वाले आ रहे हैं, इससे पहले हमारा फ़ोन ले जाएं। हॉर्स राइडिंग नहीं आती तुम्हारे भाई को, लेकिन हम अमर हैं। रियल मी के साथ हम रियल सीव्यू आए हैं और यहाँ पे सीन ये है कि मैंने इसे वीडियो बनाई है, वीडियो शॉट्स लिए हैं कुछ जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, कुछ पिक्चर्स खींची हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी, और एक बाबा हैं अभी वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 1 2 3 तो सीन ये है कि वीडियो जो मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया था वो जो फ़ोन था और ये फ़ोन है उसके मुकाबले में ये फ़ोन अच्छा है क्वालिटी के हिसाब से और आवाज़ के हिसाब से, पिक्चर्स के हिसाब से, और सबसे मेन चीज़ फ़ोन में जो होती है कलर्स के हिसाब से।
ठीक है। और वैसे भी जब आप फ़ोन से ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें सिनेमैटिक और ड्रोन और गिम्बल ये सब तो होता नहीं है, तो हमें तवज्जो स्टोरी पे देनी होती है और शॉर्ट्स पे देनी होती है, जो कि सही है। तो उसका फोकस मैंने अभी चेक किया है अपने दोस्त के मुँह के अंदर घुसा के और बाहर ले आके, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी ब्लॉगिंग का व्यापार है, जहाँ ज़्यादा पैसा होगा वहाँ ज़्यादा अच्छी ब्लॉगिंग होगी। तो रीज़नेबल प्राइस पर अगर रीज़नेबल फ़ोन हो तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन से ब्लॉगिंग छूटनी नहीं चाहिए। अब क्या है ना भाई, यहाँ तक काम है हमारा बनाना, उससे आगे तुम्हारा फैलाना, तो फैला दो, क्योंकि लॉयल्टी पे चल रहे हैं हम दोनों, बोले तो भरोसे पे। तो तुम भरोसे वाले, तुम्हारे वालिद पापा भरोसे वाले, तुम्हारे दादा भरोसे वाले, और साले तुम्हारे नाना।